डेस्टिनेशन तो बताओ। छोटा हाथी निकल चुका है, लोग आ चुके हैं और हम भी रेडी हैं। जय जय श्री राधे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज करीब एक हफ्ते के बाद ये व्लॉग शूट हो रहा है, वो भी आज इसलिए शूट हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने सडन प्लान बना लिया कहीं घूमने का, और अभी ये नहीं पता कि घूमना कहाँ है। कहाँ जाना है भाई, डेस्टिनेशन तो बताओ। ये बढ़िया था यार। चश्मा किसका है ये? किसका है ये? अच्छा छपरी लग रहे हैं हम बेवाला नहीं, बढ़िया तो लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। अब पहले बैठते हैं गाड़ी में यार, अपन चार ही हैं, मतलब हम तीन तो ही हो गए और एक बंदा तुम्हें पता है कौन आ रहा होगा। सुबह से इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, लेकिन हम निकलने के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है ना, तब से हल्की हल्की धूप आ गई है, देख रही है एकदम कड़क तो नहीं है लेकिन फिर भी धूप तो है। चलो फिर मिलते हैं, धूप चलते ही रहेगा तो बने रहना आज पूरे ब्लॉग में एंड तक। ब्लॉगर होने का पूरा पूरा फायदा उठाता हूँ मैं, नाजायज फायदे हैं ये ब्लॉगर होने के, लगना जो वीडियो बनाता है फ्रेंड शीट मिल जाएगी। चौथे बंदे उठाने के लिए आ गए, वो बंदा अभी तक आया नहीं, उसका वेट हो रहा है 10 मिनट से यहाँ खड़े खड़े। वो इतना ज्ञान देता है वो इंसान, जिस दिन हम लोग टाइम पर लेट होंगे ना उस दिन कहेगा कि अरे ये टाइम पे नहीं आते, पंक्चुअल नहीं है तुम लोग, ये वो तमाम चीजें। जिस दिन हम पंक्चुअल हैं उस दिन ये इंसान बिल्कुल ही पंक्चुअल नहीं है। ये तो हर ब्लॉग में यही बोलते हो, नहीं बोला मैंने, वो करता ही है, ये तो क्या कर रहा है, उसकी आदत ऐसी हो गई है। बोलना तो पड़ेगा सही बात, और बेशरम इंसान है वो यार, सुधर भी नहीं रहा। सुधर जा भैया, सुधर जा। तो अभी कैमरे में वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन टी-शर्ट 100 रुपए वाली लग रही है उसको। किसकी? इन्हीं की। अरे यार एक तो इन पर दरवाजा नहीं खुलता, बैठे नहीं गाड़ी वाड़ी में जे स्कूटी वाले जी। यार देखो क्या बात है, डॉक्टर साहब यार ये तो लग रहे हो यार, ये लेगी ना से बन गया है। सभी लेगी को ना कह जो जॉगर टाउगर कहते हैं जॉगर। अच्छा क्यों तुम लोअर टी शर्ट थे, क्यों झुटके बोला तूने मेरे से? इनने बदलवा दिया, हम पता है लोअर टी शर्ट, ये बोले कि यार हम आके जाए इसे पहन के आए। चलो चलो तुम यार ये क्या है, ये लोअर ओवर में पहन के आया तो तुम, ये लोअर टी शर्ट है? लोअर टी शर्ट में चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, मैं जींस उतार के आया था लोअर टी शर्ट में थोड़ा ढंग से। तो जींस की उतारे, जब जींस पहन ली थी तो तुम अलग हो यार। कुछ नहीं कोई दिक्कत, क्या यार यार कोई दिक्कत नहीं यार। जाना डिजाइन नहीं किया, खाना पहले पैक करवा लिया। रास्ते में खाने के लिए केले ले लिए, केले घर पे पड़े हुए थे डॉक्टर साहब, आपको केले ही खाने? अरे उसमें पतले 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 क्या कह रहे हो? चार तो आए ना। कैसे चाहिए डॉक्टर साहब? एक दो तीन, दो छोटे उसमें यार। अरे यार छोटा आप ले लिया? अरे यार पंकज छोटे केले मत लो यार, डॉक्टर साहब को पसंद नहीं है छोटे केले। सही है केला, सही है। चलो ठीक है, डॉक्टर साहब को पसंद आ गया केला, पसंद आ गया डॉक्टर साहब केले? पसंद क्या, मुँह में लेना खाओ क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब को केले बड़ी देर में पसंद आते हैं, और तब केले भी नहीं पसंद आते। अपने काम धंधे पे आ रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जिसकी गिरी थी ना वो चला गया घर, वो घर नहीं वो जॉब पे भी चला गया, शाम को डालूंगा उसे कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग रुक रुक के देख रहे हैं क्या हो गया। फाइनली वो डेस्टिनेशन डिसाइड हो गया जहाँ मैं जाना है,
वो है पंगारा डैम। और वैसे तुम कुछ बोलते रहते जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो चुप हो जाते हैं। वैसे तो एक बार हम पहले भी जा चुके हैं और उस टाइम बहुत अच्छा मतलब देखने को मिला था व्यू, लेकिन अभी क्या पानी ज्यादा होगा तो हम प्रॉपर वो व्यू तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे व्यू देखने को मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। ये कुछ चढ़ाई आ गई पहाड़ी, देखना रास्ते बहुत सुंदर है यार यहाँ पे। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते बड़ा बोलो, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते हैं। क्या बात है, दिख रहा है ना ये है रास्ते, और रास्ते ऐसे हो तो क्या मजा। पानी आ गया, दिख गया उसे। अरे वाह ये क्रिकेट हो रहा है क्या? अरे मैच हो रहा है, एक खूबसूरत रास्ता और इतने हरामी दोस्त और क्या चाहिए यार। लग गई मिर्ची ने, मिर्ची लग गई तो स्मार्ट लोग बैठे तो तारीफ किया। पहाड़ी देखो कितनी अच्छी है, बीच में एक ही स्पॉट और पड़ा है, यहाँ पे दो चार गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। हाँ हमने सोचा कम से कम देख ही लें, क्या पता कुछ अच्छा व्यू हो यहाँ से, और कोई वाटरफॉल टाइप का है क्या, देखते तब पता चलेगा। पानी तो देखने लगा सही, ये तो सूखा सा पड़ा है, उधर से कहीं से आ रहा होगा पानी। अरे यार वहाँ तो बहुत ऊंचाई पर है ये तो, ये भैरा पानी भाई, ये है एक स्पॉट, वहां से वो पानी आ रहा है, लोग नहा रहे हैं, ये बैठे हुए लोग। सही है यार वैसे तो, सही है वैसे, खाना वाना बनाने के लिए वैसे ठीक है ना, मतलब एक तरह से पूरा पिकनिक स्पॉट है। आप आओ यहाँ पर खाना पीना बनाओ, पर ये गंदगी मत फैलाओ, कुछ ज़्यादा ही है, प्लेट प्लेट सब पड़ी हुई है, इन्हें भी साथ लेके जाओ। वाओ लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू यार। पानी दिख रहा है आपको पूरा, नदी आई है। ये देखो लास्ट टाइम हम इधर ही आए थे पिकनिक मनाने, याद है आप लोगों को, आगे कहीं पिकनिक गए थे, अंदर अंदर गए थे अंदर हम लोग भाई, नहा रहे हैं लड़के, बढ़िया है, अच्छा पानी चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहा नहीं सको, और ऐसा भी नहीं है कि सूखी पड़ी है क्या, यहाँ से गए थे लास्ट टाइम अंदर 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 अंदर। वैसे यार कहीं घूमने निकलो ना तो आपको एमपी में इतनी शानदार जगह मिलेंगी, पूछो मत, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट हैं वैसे एमपी में, और ये तो अपने ग्वालियर में ही है। वो कितनी स्मेल आ रही है, ओ माय गॉड, जी आए एक पता नहीं को गांव से आए हैं। हाँ जैसे कितने बड़े फॉरेनर हैं, और जो पीछे नल्ला बहता धुआं करके बदबू आती है, ये बताओगे हैं घर के आगे जो गाय और भैंस गोबर कर जाती है उसमें से नहीं आती? मेरा घर पॉश कॉलोनी में है, पॉश कॉलोनी में इनका घर। ओ माय गॉड कितनी घाम आ गई यार, घाम आ गई, ओ माय गॉड कितनी घाम आ गई, जाएं कहां पे, जो रास्ता है चुका है बहुत ज्यादा खतरनाक, संभल के इन्हीं होने, पता चले खाई में गिर जाता हूँ, और बगल में बह रहा है दलदल, ये दलदल है खतरनाक, इसमें से कोई बच के नहीं निकल सका आज तक। ये इतनी गहरी खाई, इसे पार करना पड़ेगा हमें यार, पानी इधर भी भरा हुआ है और इधर तो ये बह ही रही है, सांख नदी है शायद ये अच्छा कि मौसम थोड़ा अच्छा है, पर ये थोड़ी सी उमस हो गई है बस। एक और खाई आ गई, ओ संभाल के इस खाई को पार करना पड़ेगा यार मुझे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए ये नदी आ गई, अब इस नदी से हम पानी पी सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। पी लो पानी, पी लो जल्दी से, ये रहा साफ पानी, कितना पानी है
सस सही तो है ये तो देखना सही तो है ये खराब क्या है इसमें क्यों मोहित वो बियर गिल्स था और तुम पौआ गिल्स नहीं देखो बहता हुआ पानी है वैसे तो ठीक है अच्छा है हमेशा कहते हैं वैसे बहते हुए पानी में नहा सकते हो कोई पानी देखो बहुत अच्छा लग रहा है एक फ्लो में बह रहा है कितना अच्छा पानी फ्लो में ही बहता है मतलब ठहरा नहीं है पानी में ठहरा हुआ पानी नहीं बहता हुआ पानी है और लोग बहुत सारे आए हुए हैं यार आज एक तक चुके हैं संडे भी है संडे की वजह से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं घर से मौसम भी अच्छा हो ही रहा है तो घूमने फिरने के लिए आए हैं पर क्या बस सबसे बुरी चीज़ एक ही लगती है कि लोग आते हैं ना तो ये गंदी करके जाते हैं दिख रही है बियर के कैन पड़े ये बियर का कैन पड़ा हुआ है बस ये मत करो आओ अच्छी बात है घूमो फिरो खाओ पियो मजे करो हाँ पर बनाए थे अच्छा था गंदगी मत फैलाओ इसको भी ग्वालियर के लोग नलकेश्वर बना देंगे इसको भी जहाँ पे गंदगी का अंबार डॉक्टर साहब आपका बचपन और बच्चों बढ़िया अरे हाय हेलो तो कर दे यार ए बच्चों वाला एटीट्यूड है हाय हेलो भी नहीं कर रहे पंकज संभाल के नदी पार करनी है तुम्हें ये मगरमच्छ हैं इस नदी में बहुत बड़े बड़े अरे रुक 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 क्या है ये पागल है क्या मेरी हाजमुला रह गई यार यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में ये पड़ी ओहो धूप निकला ये तो भागू अब गर्मी हो जाएगी उमस हो जाएगी गंदी वाली गर्मी होती मैं तो थोड़ा सा वाकई आया हूँ तभी हालत हो गया मेरी अरे भगवान सामने कितना बड़ा पहाड़ आ गया अरे तो जाना किधर है चढ़ाई देखो कितनी पिछली बार आए थे ना तब ये रोड बना ही था ऐसे गिट्टी पड़ी हुई थी अब तो एक कम से कम बन गया है नहीं गिट्टी आई पड़ी हुई मोहित बाबू थोड़ी बहुत पड़ी है ज्यादा नहीं पड़ी नीचे तो ऋषिकेश वाला भी आ गया यहाँ बैठे बैठे हमें 500 रुपए में ऋषिकेश वाला पी लेना है तो यहाँ आ जाओ ऋषिकेश जाने का आपका पैसे नहीं है तो इधर आ सकते हो पगार है ट्रेन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इस ब्लॉग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो आज के पार्ट में बस इतना ही नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा देखने के लिए तब तक के लिए जय जय श्री राधे।